दिख रहा है मैं स्टेडियम में, काफी स्टेडियम भर चुका है। स्टेडियम में काफी सीटें अब भरी हुई दिख रही हैं, जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी खाली दिख रही थी। अमिताभ, क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा एक बार फिर देख लेते हैं, आप एक बार फिर बता दें आज से लेके कल तक का पूरा ये 36 घंटे से कुछ घंटे कम का ये जो पूरा प्रोग्राम है राष्ट्रपति ट्रंप का, ये क्या रहेगा? देखिए, पूरे भव्य स्वागत की तैयारियां हैं किशोर। अब जब उतरेंगे वहां साबरमती आश्रम जाएंगे, वो भी रोड शो होगा और पूरे रास्ते जो देश के 22-24 राज्य हैं उनकी झांकियां होंगी। बिल्कुल जैसे गणतंत्र दिवस पर आपको याद होगा जब बराक ओबामा आए थे और जिस तरह की झांकियां निकली थी, यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता उसको प्रदर्शित करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भारत की टीम के द्वारा की गई है और पूरे रास्ते पर उनको ऐसी झांकियां दिखती जाएंगी। आपने दक्षिण भारत का भी गान देखा है, के वाद्य देखे, आपने राजस्थान का वाद्य देखा, आपने गुजरात का वाद्य देखा, वहाँ गुजराती गाने चल रहे हैं, वहाँ गुजराती संस्कृति की छटा दिख रही है स्टेडियम में और स्टेडियम के कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। साबरमती आश्रम जहाँ महात्मा गांधी खुद रुके थे 1915 से, जब वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, 1915 से 1930 तक लगातार वो गांधी आश्रम में रहे। हरिजन नाम जो उन्होंने पिछड़े जातियों को दिया था, वो हरिजन नाम आज तक लगा हुआ है उनको, भगवान का आदमी बताकर हरि के जन कहकर उन्हें नया नाम दिया था ताकि उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सके। उस आश्रम में जाकर कुछ पल बिताएंगे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ और सीधे तौर पर जो साबरमती आश्रम है उसको किस तरह से एक दिखाने की कोशिश की जा रही है दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को, जो भी शक्ति शिंजो अबे आए हो जापान के, चाहे जी जिनपिंग आए हो चाइना के, सबको, चाहे जर्मनी की चांसलर आई हो, सबको साबरमती आश्रम दिखाया गया है। लेकिन सबसे अलग इस बार है रोड शो ट्रंप का रोड शो, क्योंकि ट्रंप भी जल्दी ही चुनाव झेलने वाले हैं अमेरिका में किशोर, और भारत की आबादी वहाँ खासी है, 4 बिलियन अगर भारत की आबादी है वहाँ पर, 2 लाख छात्र भी वहाँ पर हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में गुजराती NRI वहाँ पर बसे हुए हैं जो काफ़ी धनाढ्य भी हैं और काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, काफ़ी पैसे वाले भी हैं। तो ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका के संबंध किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, किस तरह से भारतीय वहाँ की अर्थव्यवस्था में और वहाँ के समाज में जुड़ चुके हैं। देर शाम वो आज शाम को कम से कम 4:45 पर आगरा पहुँचेंगे, ताज के दर्शन करेंगे जो कि हर फॉरेन का डिग्निटरी करता है, वहाँ की तस्वीरें होंगी और कल पूरे दिन भारत में, अगर भारत में एक स्टेट बैंक्वेट का आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन में जो नॉर्मली हैदराबाद हाउस में कई बार होता है, इस पर राष्ट्रपति भवन में होगा और पूरे दिन जो भी मुलाकातें होंगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे, वो पूरे दिन चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर एक एक मिनट उनका पैक्ड है और उनकी यात्रा को पहले दिन ही अभूतपूर्व और यादगार बनाने की कोशिश भारत ने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने की है जी। और उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जो जिसमें उन्होंने लिखा है, हिंदी में ट्वीट किया है कि हम भारत आने के लिए तत्पर हैं, हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, जिस पर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, अतिथि देवो भव। तो भव्य तैयारियां हैं यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत की मोढेरा स्टेडियम।